नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे से मिले अभ्यर्थी, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि वर्तमान शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है जिनका, वे शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी से मुलाकात करने पहुँचे और अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जल्दी काउंसलिंग की प्रक्रिया करके नियुक्ति प्रदान की जाए। इसी मांग को लेकर रविंद्र चौबे जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके पास अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी एक महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मई महीने में शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसकी परीक्षा जून में आयोजित की गई, लेकिन अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल में नहीं हो पाई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया कछुए की चाल से चल रही है। अभ्यर्थियों ने व्याख्याता की जो काउंसलिंग है, ठीक है भाई, देख पा रहे होंगे, तो अभ्यर्थियों ने व्याख्याता की काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक व्याख्याता की भी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसको भी लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है बेरोजगार युवाओं द्वारा, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पर देख सकते हो, पिक्चर में शो हो रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी है वे जो है शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी से मुलाकात किए। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वही बजट में प्रदेश में 60,000 से अधिक शिक्षक के पद खाली है। पिछली बार भी शिक्षक भर्ती को 4 साल से ज़्यादा समय में पूरी की गई थी और इस बार भी शिक्षक भर्ती में विभाग ज़्यादा समय ले रहा है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षा न तो देखो शिक्षक न होने से पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। चयनित अभ्यर्थी काफ़ी नाराज और परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर जल्दी नियुक्ति प्रदान नहीं की गई तो आचार संहिता शुरू हो जाएगा और आचार संहिता शुरू हो जाने से स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना में भी देरी होगी, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगा। अगर चुनाव से पूर्व जल्दी नियुक्ति हो जाती है तो शालाओं में शिक्षक होने से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। इस तरह से जो है बेरोजगार युवाओं द्वारा अपनी बात रखी गई है। जो चयनित युवा, ठीक है, बस्तर सरगुजा में होने वाले शिक्षक भर्ती में जो भी युवा चयनित हुए हैं वे अपनी बात रखे हुए हैं और लगातार जो है शिक्षा मंत्री से हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से हो अपनी मांग पहुंचाते आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में जो 57,000 पद शिक्षकों के रिक्त है, तो इसकी भी भर्ती की जो मांग है लगातार युवा बेरोजगार साथियों द्वारा की जा रही है। अब सरकार को इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षक जो अभी वर्तमान में चल रही है प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो नई शिक्षक भर्ती है, जिसके बारे में अभी चर्चा चल ही रहा है कि लगभग 12,000 पदों पर वित्त विभाग परमिशन के लिए गया हुआ है, तो उसके अलावा भी जो बचे हुए पद अर्थात अधिक से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती होना चाहिए प्रदेश में, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है अभी प्रमोशन भी हुआ है और जिसके वजह से रिक्तियों की संख्या हजारों में है। लगभग 57,000 जो पद है वो रिक्त हैं, तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती की जो कार्यवाही अब करनी चाहिए विभाग को, नई शिक्षकों की भी कार्यवाही करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो अपडेट है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।